पारसनाथ पहाड़ जहाँ आदिवासियों का ईश्वर मारंगमुरु का वास है, वो हमारे लिए पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का पहला अधिकार है। वहाँ पर अभी जैन वालों ने कब्जा किया हुआ है, तो उसको मुक्त करने के लिए और आदिवासी के ईश्वर को मुक्त करने के लिए हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और ऐसा करने के पीछे हम लोग झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा दोषीदार मानते हैं। हम साथ साथ और भी मांग करना चाहते हैं, जैसे अभी पारसनाथ पहाड़ जैनीकरण हो गया है, उसी प्रकार लुगुबुरु पहाड़ उसका हिंदूकरण हो गया है, और पूरा संताल परगना का ईसाईकरण मुसलमानकरण हो गया है। ये सब के पीछे ये जो सोरेन खानदान है, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये लोग दोषी हैं। तो अभी इसको मुक्त करने के लिए आदिवासी सिगिल अभियान ने फैसला लिया है कि 17 जनवरी को हम लोग 5 प्रदेश के 50 जिलों में बड़ा धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा है कि 11 फरवरी को 2023 यही मोराबादी मैदान में एक बड़ा धरना का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और हम देश में एक नई मांग को खड़ा करने वाले हैं कि भारत देश में जितने भी पहाड़ पर्वत हैं वहाँ आदिवासियों का देवता वास करता है, तो भारत सरकार को, राज्य सरकारों को सभी पहाड़ आदिवासियों को स्वामित्व मालिकाना देना होगा। इसका एक नया आंदोलन हम लोग देश भर में छेड़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत देश और राज्य में जो आदिवासियों का मामला है, हम लोग अब लगातार लड़ेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को दुमका से हम लोगों ने राष्ट्रीय आदिवासी क्रांति का भी कि झारखंड में ये जो दिसम गुरु और ईसाई गुरु, इन दोनों के चलते हमारे इस आंदोलन में काफ़ी व्यवधान आ रहा है, तो हम लोग उनके खिलाफ भी आंदोलन खड़ा करेंगे। और लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, जैसे झारखंड में हमारा धर्म नहीं बच रहा है, भाषा नहीं बच रहा है, हादसा मने ये जो जमीन नहीं बच रहा है, तो सारी चीज़ों पर भी हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यही कुछ मूल मुद्दे हैं हमारे। इससे तो बड़ा कंट्रोवर्सी होगा, आप बोलेंगे सभी पर्वत में, पहाड़ में कब्जा हो, जैसे रांची में ही पहाड़ी मंदिर है, आप चाहेंगे उसमें कब्जा हो, तो कंट्रोवर्सी तो बढ़ जाएगी। देखिए, कंट्रोवर्सी बढ़े या घटे, भारत के सभी पहाड़ पर्वत में आदिवासी रहते थे, रहते हैं, और सभी पहाड़ों को हम ईश्वर मानते हैं, देवी देवता मानते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ वो जैन लोग हड़प लिया है, लुगुबुरु पहाड़ उसको भी झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, 25 करोड़ का बजट भी दे दिया है, और वहाँ हिंदूकरण मंदिर सब बनना शुरू हो गया। जबकि लुगुबुरु भी पारसनाथ पहाड़ मारंगबुरु की तरह हमारा बहुत पवित्र स्थान है। इसी प्रकार जैसे देवघर में टीरबुरु जो पर्यटक स्थल है, जहाँ रोपवे टूट गया था, तो ऐसे बहुत पहाड़ हैं। तो मैं देश के सामने एक नई मांग को रख रहा हूँ कि बहुत सारे पहाड़ों से आदिवासियों को भगाया गया है, विकास के नाम से हटाया गया है, इससे प्रकृति पर्यावरण का भी असुविधा बढ़ा है, और इसके चलते क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम आया है। तो पहाड़ों को बचाना है, प्रकृति पर्यावरण को बचाना है, और आदिवासियों के देवी देवता को भी बचाना है। तो ये मुद्दा अभी नए सिरे से हम लोग खड़ा करेंगे, और पारसनाथ मारंगबुरु आदिवासियों के ईश्वर को हम लोग को बचाना है, वहाँ हम आदिवासियों का प्राथम अधिकार बनता है, ये जैन वालों का अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि प्रिवी काउंसिल लंदन में जब जैन वर्सेस संताल आदिवासी का विवाद मुकदमा वहाँ पहुँचा, तो प्रिवी काउंसिल माने सुप्रीम कोर्ट उस समय अंग्रेजों का, उसने भी फैसला आदिवासी संतालों के पक्ष में दिया, जो चिट्ठी लिख के भारत सरकार को दिया है कि उस पर केवल जैन वालों का अधिकार है, ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए हम दुख के साथ आज ये कहना चाहते हैं, एक बार सोरेन खानदान ने 1993 में झारखंड को बेच दिया 3.5 करोड़ में, अब हेमंत सोरेन सरकार और हेमंत सोरेन हमारे भगवान को बेच दिया ये जैनियों के हाथ में। तो ये जो चल रहा है, हम लोग इसके सख्त खिलाफ में है, विरोध में है, और इसीलिए और संताल परगना, पूरे संताल परगना को वोट बैंक के लिए मुसलमान और ईसाई बने आदिवासियों के हाथ में सुपुर्द कर दिया, और संताल परगना में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम खानदान अर्थात सोरेन खानदान
लंबे समय से राजनीति कर रहा है, वोट ले रहा है, मजा मार रहा है, और वहाँ पर आदिवासी अभी जमीन भी लुटा रहा है, नौकरी लुटा रहा है, इज्जत लुटा रहा है। रोज़ खबर मिलती है आदिवासी लड़की का रेप हो गया, मर्डर हो गया, जमीन लूट हो गई। तो इसके पीछे भी यही सोरेन खानदान है। तो हम सोरेन खानदान माने दिसम गुरु और ईसाई गुरु माने ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ये लोग भी आदिवासी को ही ईसाई बनाए हैं। बिहारी बंगाली उड़िया को बना नहीं पाते हैं और ईसाई आदिवासी को ईसाई बना के एक गुलाम बना के रखे हैं, उनकी भाषा संस्कृति की जड़ को काट कर रखे हैं। तो ये दोनों व्यवधानों के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठा के इनको बेनकाब करके बृहद दायरे में आदिवासी को एकजुट करेंगे। और मरंग गुरु का आंदोलन आदिवासी एकता का आंदोलन है, देश में आदिवासियों की अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी को बचाने का आंदोलन है, ईश्वर को बचाने का आंदोलन है। और मरंग गुरु हमारे लिए जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदू के लिए वो मंदिर है अयोध्या का, और ईसाई के लिए रोम है, और सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर है, तो हमारे लिए पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के लिए मरंग गुरु माने ईश्वर का वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। नोटिफिकेशन होने के बाद आप लोग ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं, पहले इस तरह की एक्टिवनेस तो नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, पहले ये जो जैन वालों ने देश विदेश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, हमारे भी कान खड़े हो गए। अब देर हो अंधेर हो, मतलब देर से ही, लेकिन अभी हम जाग गए हैं। और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उसमें भी हमारे पक्ष में फैसला है, तो फिर हम काहे अपनी मैंने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब ये दायित्व बनता है झारखंड राज्य सरकार का, जो अभी तक आदिवासियों को विफल करने में हमको बचाने की जगह मारने का काम कर रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग हमला बोल करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।